स्टूडेंट क्लास 9th में पॉपुलेशन चैप्टर हम देखेंगे। जैसे इसमें स्टार्टिंग में पूछा है कि अगर हम इमेजिन करते हैं एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं है, प्लस तो उन सभी रिसोर्सेज को कौन यूज़ करेगा और जो सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है वो कौन करेगा। द पीपल्स क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। और द पीपल्स क्या करते हैं, बनाते हैं और उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। एंड देमसेल्फ रिसोर्स ए वेरिंग क्वालिटी। और जो मानव है वह अपने आप में मानव जो है मानव संसाधन निर्माण और उपयोग करते हैं, और वे स्वयं भी विभिन्न मतलब डिफरेंट क्वालिटीज़ वाले जो ह्यूमन हैं वो सब में अलग अलग क्वालिटी, वो अपने आप में एक रिसोर्स का काम करते हैं। जो कोल है, जो कोयला है, यहाँ पे ये बताया रखा है, वो सिर्फ एक रॉक, एक पत्थर का टुकड़ा है जब तक मानव उसे क्या है अपनी टेक्नोलॉजी से एक रिसोर्स, एक यूजेबल रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर देता। ठीक है, जितने भी जो नेचुरल इवेंट्स हैं, प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं जैसे फ्लड आना, सुनामीज, ठीक है, जब ये किसी वास्ट ओनली व्हेन दे इफेक्ट द क्राउडेड विलेज और टाउन्स, तब बिकम ए डिज़ास्टर बनती हैं। जब किसी बड़े एरिया को, गांव या शहर को जो प्रभावित करती है, इट मीन्स वहाँ रहने वाली पॉपुलेशन पर ही इफेक्ट्स का इफेक्ट पड़ता है, देन इट इज़ कॉल्ड बी ए डिज़ास्टर। पॉपुलेशन ऑफ ए पॉविटल एलिमेंट इन द सोशल स्टडीज़, जो सोशल स्टडीज़ में हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो वो एक जो मानव है वो अपनी, या जो जनसंख्या है वो अपने आप में एक एलिमेंट है जो बेस तैयार करते हैं जिससे इफेक्ट होता है, क्योंकि जो भी घटनाएं होती है वो ह्यूमन से ही रिलेटेड होती हैं। इट इज़ पॉइंट टू रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑब्जर्व एंड फ्रॉम विच दे आर ड्राइव सिग्निफिकेंट इन मीनिंग्स। इट मीन्स कहने का मतलब है जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी जो तत्व हैं, उन सभी का जो केंद्र बिंदु है, इसमें सभी दूसरे तत्वों का जो मतलब जितने भी दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर ऑब्जर्व किया जाता है, उनका महत्व तभी है या अर्थ और महत्व ज्ञात करने के लिए हम मैन को अगर सेंटर में रखते हैं। जो भी रिसोर्सेज हैं, कैलामिटीज़ हैं, डिज़ास्टर है, ऑल आर मीनिंगफुल ओनली टू रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। इन सब का महत्व केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है, या जो संसाधन उनको यूज़ करना, जितनी आपदाएँ या जो डिज़ास्टर विनाश होता है वो सब इफेक्टेड किसको करता है, ह्यूमन बींग को। द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड द अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो यहाँ ये बता रहा है कि उनकी किसकी, ह्यूमन बीइंग्स की जो पॉपुलेशन का संख्या है, उनका वितरण है, उनकी वृद्धि है, और जो भी उनके जो गुण हैं वो पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने और उनकी विवेचना करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तैयार करता है। ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसर, ह्यूमन बीइंग्स एक प्रोड्यूसर है डिफरेंट टाइप्स के। देखो बेटा, ब्रेड बिस्किट बनाता है, मशीन्स बनाता है, टूल्स बनाता है, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और उपभोग भी वही कर रहा है, उन सबको यूटिलाइज भी वही कर रहा है, कंजम्स भी वही कर रहा है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नाउ, ये सब जानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक देश में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, कहाँ रहती है, एंड हाउ एंड देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, और कैसे उनकी जो जनसंख्या है वो कैसे उनमें वृद्धि हो रही है और उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग, जो भारत की जनसंख्या है, ठीक है, उसमें उनकी संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है जो सेंसस स्टार्ट हुई थी, जनसंख्या, जन सेंसस को कहा जाता है जनगणना, जो फर्स्ट ऑफिशियली जो जनगणना जो शुरू हुई थी, ठीक है, तो यह क्या है, एक निश्चित एक लिमिटेड डन एक लिमिट टाइम पीरियड में पॉपुलेशन या ऑफिशियली जो पॉपुलेशन को काउंटिंग किया जाता है उसे सेंसस कहा जाता है। भारत में जो सबसे पहले सेंसस या जनगणना स्टार्ट हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड रिपन ने कराई थी, और लेकिन ये कंप्लीट पूरा इंडिया को कवर नहीं कर पाए थे इसमें, और जो कंप्लीट सेंसस है वो तैयार हुई थी इन 1881 में हुई थी। सिंस और हर 10 सालों के अंतराल के बाद जो जनगणना होती है, भारतीय जो जनगणना है यानी कि जो इंडियन सेंसस इज मोस्ट कॉम्प्रेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक यानी कि जनसांख्यिकी, जिसमें उसका सेक्स रेशो, लिटरेसी, एवरीथिंग शुड बी मेंशन, और सोशल और इकोनॉमिक डाटा इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखें, क्या आप कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है, जैसे गांव में आती हैं, अगर कभी आपने चेक किया हो तो, ऑब्जर्व किया हो तो, वी आर प्राइमरीली कंसर्न विद द थ्री मेजर क्वेश्चंस अबाउट द पॉपुलेशन। तो थ्री मेजर क्वेश्चंस होते हैं पॉपुलेशन से, जिसमें हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज़ की, डिस्ट्रीब्यूशंस की, कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर एंड वेयर दे लोकेट, कि वहाँ पर कितने प्रकार के लोग रहते हैं और कहाँ रहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या में जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ठीक है। आगे हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की जो गुण है, वो विशेषताएँ वो पढ़ेंगे, जिसमें जो एज है कि उनकी जो आयु है वो कितनी उम्र है, उनका सेक्स रेशो पढ़ेंगे, जैसे मेल और फीमेल्स एंड कंपोजिशन, ठीक है, प्लस सेक्स कंपोजिशन, लिटरेसी लेवल एंड देयर ऑक्यूपेशन, ये और देयर हेल्थ एंड स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे स्टार्टिंग में पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इंडियन पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स, जैसे हमारे पास बुक में 2001 का भी डाटा है, 2001 में तो 1,228 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो वर्ल्ड का 16.7% वर्ल्ड पॉपुलेशन थी भारत के पास। द 1.02 बिलियंस पीपल आर अनइवनली, जो 1.02 बिलियंस जो पॉपुलेशंस हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। भारत के जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर, जो वर्ल्ड का 2.4% हमारे पास क्या है, लैंड एरिया है। वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री हैं, सिक्स हमसे ज़्यादा हैं। अब 2011 में वही डाटा हमारे पास है 1.210 मिलियंस, ठीक है, और 2019 में है 1.3 बिलियंस पॉपुलेशंस। तो यहाँ पर 2011 और में जो वर्ल्ड का जो हम परसेंटेज बना रहे हैं, वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन हमारे पास है। ये एक नया करंट डाटा है, इसको आप अपनी बुक में लिख लेना, ठीक है। एंड 2001 सेंसस डाटा रिवील दैट उत्तर प्रदेश हैज़ विद पॉपुलेशन साइज इज़ 166 मिलियन पॉपुलेशन मोस्ट स्टेटेड, और 2001 के अकॉर्डिंग ही उत्तर प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा क्या है पॉपुलेटेड पॉपुलेशन वाले स्टेट में है, जिसमें जो इंडिया की 166 मिलियन पॉपुलेशन रहती है। उत्तर प्रदेश कंटिन्यू टू बी 16%, यानी कि जो 16% संख्या का यहाँ पर 16% जो हिस्सा है वो रहता है। दूसरे बिहाफ में देखते हैं हम यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालयन में जो स्टेट है यहाँ पर सिक्किम बता रखा है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो केवल कितनी है, 0.5 मिलियंस, यानी कि 500,000 आबादी है। एंड लक्षद्वीप में कितने लोग रहते हैं, लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग ही, यानी कि 60,000 पीपल ही रहते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा इंडिया के 5 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, ये बुक थोड़ी पुरानी है बेटा, इसमें आपका एक न्यू स्टेट 2 जून 2014 में बना था यहाँ पर, तेलंगाना, ठीक है। तो वो अलग होने के बाद भी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इसमें 5 स्टेट्स हैं जो जिसमें भारत की सबसे आधी से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू दिखा रखे हैं कि इंडिया के पास 16.7 2001 के अकॉर्डिंग है, 17.5 2011 के अकॉर्डिंग, रेस्ट ऑफ 83.3% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और यहाँ पे इंडिया का जो एरिया है वर्ल्ड का, ये पूरा लैंडमास है, जिसमें 2.4% ही इंडिया के भारत के पास है, रेस्ट ऑफ दूसरे कंट्रीज़ के पास है। 6 बड़े हमसे देश, रुकू कुबा जो ट्रिक आपको समझाई थी, आई होप यू आपको पता हो। नेक्स्ट है, आप हमारे एरिया वाइज, जबकि राजस्थान है जो सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ पर जो भारत की जो जनसंख्या है उसका केवल 5.5% ही रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है हमारा राजस्थान, पॉपुलेशन 5.5, यूपी, ठीक है, जनसंख्या 16.16% है, ठीक है, यानी कि 1,660,000 जिसे कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी 5 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट आपको दिखाए गए हैं। इंडियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डेंसिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले डेंसिटी को समझना जरूरी है, वो अनइवन है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ कैलकुलेट कैसे की जाती है बेटा, इज़ द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स, कि एक स्क्वायर किलोमीटर्स में कितने नंबर्स यहाँ पर रहते हैं, कि काउंट की जाती है इस तरह। इंडिया इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में से इंडिया भी है। यहाँ पर बांग्लादेश का जो दे रखा है 2001 के अकॉर्डिंग 2849 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी थी, जापान की 334 थी। 2011 के अकॉर्डिंग जो सेंसस डाटा है जो कलेक्ट हुए हैं, उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या है भारत के, सॉरी वर्ल्ड में, तो वो ये है, बांग्लादेश में है 1,252, उसके बाद लेबनान है 595,
साउथ कोरिया है 520 एंड देन नीदरलैंड 508 एंड रवांडा इज़ 495 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से है ये वर्ल्ड की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ वेरी 2001 में 324, तो 2011 में है हमारी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड में 31st रैंक अमॉन्ग द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से हमारी इंडिया आती है। डेंसिटीज़ ऑफ द वेस्ट वेस्ट देखो बेटा ये यहाँ पे 2001 के अकॉर्डिंग ही है 904 पॉपुलेशन, और सबसे जो कम पॉपुलेशन पाई जाती है डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।